बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर लो वोल्टेज पावर सप्लाई, यानी कि अगर यूपीएस ऑन ना हो रहा हो तो आपने क्या करना है, कौन से स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं। आपका डेड कंडीशन में है, प्रेस करने से कुछ नहीं हो रहा, ये वन वाला बटन, बैटरियाँ आपकी अगर ठीक हैं तो, या इसमें क्या क्या वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपका यूपीएस बिल्कुल पावर ऑन ही नहीं हो रहा, बैटरियों के ऊपर ऑन नहीं हो रहा, तो आपका मेन जब आप इनपुट देंगे, एसी इनपुट देंगे तो उसके ऊपर भी ये ऑन नहीं होगा, बैटरियाँ इसके लिए लाजमी हैं। तो ये हम देखेंगे आज कि क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी बैटरियाँ चेक करनी है, सबसे पहले आपने अपनी बैटरियाँ देखनी है। अगर आपकी बैटरी या कोई एक आधी बैटरी इसमें से वीक है, सपोर्ट नहीं कर रही, तो आपका यूपीएस पावर ऑन नहीं होगा। अब आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी बैटरियाँ ओके हैं और बैटरी के वोल्ट नॉर्मली वैसे भी 200 वोल्ट आ रहे होते हैं, ये 208 वोल्ट आ रहे हैं इसके अंदर। अब देखते हैं कि ऑन नहीं, क्यों नहीं हो रहा। ये वाली कॉइल और ये दोनों, और ये कैपेसिटर, ये इन्वर्टर का कैपेसिटर, इसके नीचे पावर सप्लाई लगी हुई है, इसके नीचे लगी हुई है लो वोल्टेज पावर सप्लाई। अच्छा, आपने ये कॉइल इन्वर्टर की निकाल देनी है, उसके बाद बैटरियाँ इसके अंदर लगा देनी है। ये मैंने जगह जो है ना इसकी वो इसने कर ली है कि जो नेगेटिव लीड है ये आपकी लग जाएगी नेगेटिव के ऊपर, बैटरी नेगेटिव के ऊपर, डीसी के ऊपर। और फ्यूज़ के ऊपर कितने आ रहे हैं, 208 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर एक डायोड है D705, जीनर डायोड है D705, ये डायोड है D705, इसके इस साइड पे ये 13 वोल्ट आने चाहिए, वो आ रहे हैं, ये 13 वोल्ट हैं, ये आने चाहिए। और यही वोल्ट अगर आ रहे हैं, यही वोल्ट आपके डिस्प्ले, ये जो ऑन वाले बटन के ऊपर जाते हैं 13 वोल्ट, ये 13 वोल्ट आपके कंट्रोल के ऊपर भी जा रहे होते हैं और ऑन वाले बटन के ऊपर भी जा रहे होते हैं 13 वोल्ट। अब एज्यूम कर लें कि आपका कंट्रोल कार्ड ठीक है, यहाँ पे 13 वोल्ट आने चाहिए, वो आ रहे हैं, ये बैटरी के वोल्ट आ गए, यहाँ पर इधर आ गया 110 वोल्ट, तो 13 वोल्ट की जीनर ये लगी हुई है, डायोड लगी हुई है, जीनर डायोड है, और ये आपका ग्राउंड है बैटरी का, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको ऑन दबा रहा हूँ इसको मैं, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हमने ये देखना है कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। अभी इसकी ना होने की काफ़ी सारी वजूहात है। अगर आपका कंट्रोल कार्ड ओके है, आपका डिस्प्ले बोर्ड ओके है और ये ऑन नहीं हो रहा, ये एक फ्यूज़ है, ये ख़राब हो सकता है। इसके अंदर ये दो फ्यूज़ तो हैं, ये पावर के, ये पीएफसी को जा रहा है, एक ही छोटा फ्यूज़ है जो ये पावर सप्लाई सेक्शन में आ रहा है। उसके बाद Q729 है, ये ख़राब हो सकता है, इसको ड्राइव करवा रहा है ये छोटा सा Q707, अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये ख़राब हो सकता है। इसके साथ ही ये 811, अगर ये ख़राब होगा, ये वाला, ये रजिस्टर 811, तो फिर भी आपका यूपीएस ऑन नहीं होगा। UC3842 है, ये अगर ख़राब होगी तो फिर भी आपका यूपीएस ऑन नहीं होगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारी मल्टीपल फॉल्ट, यानी जो चीज़ें हो सकती हैं, अगर वो ख़राब होगी तो आपका यूपीएस ऑन नहीं होगा। इसको पावर मिलेगी, इसको पावर कितनी मिलती है, 17 वोल्ट, 17 से 18 वोल्ट इसको मिलते हैं, और ये वो FET है जिसके ज़रिए ये इसको
ट्रिगर करती है, और ये चॉपर लगा हुआ है, बाकी सारी इसकी लो सप्लाईज हैं ये वाली। अच्छा अब बोर्ड मैंने बाहर निकाल ली है, अब इस ये ब्लैक और ये रेड ये मैंने दे दी है, ये बैटरी नेगेटिव मैंने लगा दी है, बैटरी नेगेटिव लगा दी है। अब ये वो D705 है, यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, 13 वोल्ट। अच्छा अब हो क्या रहा है कि जब मैं इसको ऑन वाला बटन प्रेस करता हूँ तो UPS ऑन नहीं हो रहा। इसके अंदर ये फ्यूज़ है जो डायरेक्ट बैटरी के ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद Q729 है, इसके ऊपर ये बैटरी आ रही है, और इसका देखते हैं 208 वोल्ट यहाँ पे आ रही है, तो ये फ्यूज़ ओके है। अच्छा उसके बाद ये हमारी IC है, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के ऊपर VCC आनी चाहिए, बटन दबाने से यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, 7 नंबर के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा। और इसको जब ये ऑपरेट होगा 29 ऑपरेट होगा तो उस वक्त इस IC को वोल्टेज मिलेंगे, ठीक है, और इसको ऑपरेट करना है इस Q707 ने। ये इसको मैंने उल्टा कर लिया और विजिबल आपको सामने नज़र आए ये, क्योंकि ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा वो फ्यूज़ है 705, यहाँ पे 208 वोल्ट आ रहे हैं, उसके बाद Q729 है यहाँ भी आ रहे हैं। इस Q729 को ऑपरेट करना है इस Q707 ने, यहाँ भी वोल्टेज आ रहे हैं। सेंटर वाला इसका बेस है, ये FET लगा हुआ है Q707 वाली, जो कमांड है ये कंट्रोल से आ रही है सेंटर, ये गेट है इसका, ये ग्राउंड है, और ये जो है ये बैटरी आ रही है यहाँ पे। अगर आप बैटरी को इसके साथ शार्ट कर देंगे तो भी आपका चेक हो जाएगा या इस ट्रांजिस्टर का फॉल्ट है कि या इसका फॉल्ट है या इसका फॉल्ट है, कि जब बटन दबा रहा हूँ तो ये वोल्टेज ड्रॉप होते हैं या नहीं होते, ये वोल्टेज ज़ीरो हो गए हैं, ये वोल्टेज ज़ीरो हो गए हैं, लेकिन ज़ीरो वोल्ट ये जो R811 है, R811 इसने Q729 के बेस को, तो सॉरी गेट है, ये गेट के ऊपर कितने वोल्ट आ रहे हैं, 8 वोल्ट। इसका मतलब है कंट्रोल अपने कंट्रोल 8 वोल्ट यहाँ पे गेट को दे रहा है ऑपरेट होने के लिए, और यहाँ पे 205 वोल्ट आ रहे हैं। ये जो IC है ना, ये IC703, इसकी 7 नंबर तो बड़ी दूर है ना, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, ऑपरेट हो यहाँ पे कुछ आए तो फिर हम इसको डिक्लेयर करेंगे। अभी ये गेट या तो ये ट्रांजिस्टर ये रजिस्टर, इसमें से कोई एक चीज़ ख़राब है। आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप ग्लव्स पहन लें, ट्वीज़र ले लें आप। ये जो Q707 है इसका एंड ये आप शार्ट कर दें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं लगा रहा हूँ इसकी 7 नंबर पिन के ऊपर, एंड आपने ऑपरेट करना है Q707 का। नो रिस्पांस, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो ये R811 है आप इसको चेक कर लें कि नहीं, ये आपका ख़राब होगा। अगर ये आपका ठीक हो तो ये इसकी सप्लाई लाजमी ऑन हो जाती है। फोर किलो आ रही है, ये 119 किलो ओम आ रही है, तो ये दो लगी हुई है पैरेलल,
ये वाली दो पैरेलल लगी हुई हैं, तो ये 119 नहीं आती, ये आ रही है जनाब 120। ये ठीक है, ये जो 124 वाली आ रही है ये इसको हम बाहर निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि ये 120 किलो ओम ये आनी चाहिए। ये जो 124 वाली आ रही है इसको हम बाहर निकाल के चेक करते हैं, या तो ये डी वैल्यू हो चुकी है, इसको हम बाहर निकाल के अभी चेक कर। ये मैंने 124 की निकाली है और इसको मैं अभी चेक करता हूँ यहाँ पे 124 किलो वाली ये आ रही है। एक सौ बीस किलो ये सही है, और ये आ रही है ये ओपन है ब्राउन रेड और येलो, ये 120 किलो है। ये ओपन है, ज़ीरो पे बैटरी ज़ीरो पे लगा दी है, जो फ्यूज़ है वहाँ पे कितने आ गए हैं 208। अच्छा, जब भी आपने लाइव काम करना है वोल्टेज ज़्यादा है तो बेहतर है आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, कहीं वजह से अगर आपका हाथ टच हो जाए तो ये सेफ। आर ये हमने चेंज किया है, मैंने इस बैटरी की इस रिले के ऊपर वोल्टेज आ गया 208, और Q707 के ऊपर 208 आ गए, 208, 207। अब मैं सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ, सप्लाई ऑन हो गई है, और इसके 7 नंबर के ऊपर अब कितने वोल्ट आ रहे हैं 17 वोल्ट। सप्लाई बंद हो रही है, सप्लाई ऑन हो गई है, और इधर हमारे इधर वोल्टेज जो है 26 वोल्ट, 15 वोल्ट और -16 वोल्ट। सप्लाई ऑन हो गई है, जो पावर सप्लाई है 5 KV, 3 KV, 5 KV, 6 KV, इनकी एक डिज़ाइन है इनका। अगर आपकी सप्लाई ऑन नहीं हो रही, मतलब आपकी 3842 IC लगी हुई है, इसकी 7 नंबर पिन पे 16 वोल्ट नहीं आ रहे, यहीं से शुरू हो जाएं, इसका मतलब है आपका फिर ये ख़राब होगा, R3797 ख़राब होगा। अगर ये भी ठीक है 39K का लगा हुआ है, फिर ये डायोड ख़राब होगी। अगर ये ख़राब है फिर आपका Q729 ख़राब होगा। अगर ये ठीक है तो फिर आपका फ्यूज़ ख़राब होगा। अगर ये सब कुछ ठीक है, फिर इस गेट के ऊपर जो ट्रिगर आ रहा है, जो ऑपरेट करवा रहा है, वो Q707 है, फिर ये ख़राब होगा। अगर आप इसको शार्ट कर दें, ड्रेन और सोर्स को अगर आप शार्ट कर देंगे, तो फिर भी आपकी सप्लाई ऑन हो जाएगी, लेकिन फिर वो कंट्रोल नहीं रहेगी। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8 वोल्ट जो ट्रिगर है ये कंट्रोल से आ रहा होता है, अगर ये ऑपरेट हो जाए तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, और ये 5K है, ये 120K है, ये 200 वोल्ट आ रहे होते हैं, उस हिसाब से इसके गेट को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगी और ये ऑपरेट हो जाएगा, और ये 200 वोल्ट को आगे पास कर देगा। जब पास करेगा आगे डायोड में से गुजर के, ये R797 के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होंगे इस जगह पे, और यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली 16 वोल्ट या 17 या 18 वोल्ट यहाँ पे पिन नंबर 7 के ऊपर मिल जाएंगे, और यही वोल्ट आगे जा रहे होते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर भी। जब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे 200 वोल्ट मिलते हैं इस जगह पे, तो ये 6 नंबर इसकी जो है ये स्विचिंग शुरू कर देती है, ऑसिलेशन कराना शुरू करती है, तो ये उस वक्त आपकी लो वोल्ट 24 वोल्ट 15 वोल्ट -9 वोल्ट 24 वोल्ट 15 वोल्ट -15 वोल्ट ये आपकी सप्लाई बन जाएगी, और आपका फ़ैन भी ऑन हो जाएगा। तो अगर आपका फ़ैन ऑन हो गया, इसका मतलब आपकी सप्लाई ऑन हो गई है। अगर आपका फ़ैन ऑन नहीं हुआ यूपीएस का, तो आपकी सप्लाई पावर सप्लाई आपकी ऑन नहीं हुई। अगर आप इसको शार्ट भी कर दें, फिर भी सप्लाई को ऑन होना चाहिए, इस पोर्शन को ऑन होना चाहिए। इसका मतलब है ये आपका फ्यूज़ ख़राब है, या ये FET है, या ये रजिस्टर
ये रजिस्टर, ये Q707, और गेट के ऊपर अगर इसकी कमांड आ रही है तो इसको चेक करें, अगर ये ठीक है तो ये चेक कर लें, ये ठीक है तो इसको चेक कर लें। सॉरी, ये ऑन स्विच है डिस्प्ले का। तो यही 13 वोल्ट इसके ज़रिए यहाँ पे आ रहे होते हैं। जब आप इसको ट्रिगर करते हैं ऑन स्विच को, तो क्या होता है, ये Q65 उसको ऑपरेट करवाता है, और Q65 इस डायोड के ज़रिए इसको इसके गेट के ऊपर है वही 13 वोल्ट। कुछ यहाँ पे ड्रॉप होंगे, यहाँ पे कुछ 6-7-8 वोल्ट मिल जाएंगे, वो जब मिलते हैं तो ये ऑपरेट कर जाता है। ये उसको ऑन वाला बटन है जो डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है, और ये वाला पोर्शन कंट्रोल में लगा हुआ है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आइंदा ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।